गुड इवनिंग। आई थिंक आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी। चलिए 9 बज गए हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चार्ट बुक है उसका डिस्कशन। एंड आप लोग अपने आप से वॉल्यूम डाउन और आप कर सकते हैं तो वो आप यूज कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो डेकोरम है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि सिंपली ये कोई ट्रेड एडवाइज नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से नहीं। तो जस्ट इस चीज़ को हमेशा से अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मैं आपको बाय या सेल देने वाले या फिर होल्डर कुछ भी बोलने वाला हूँ, ये मैं सिंपली आपको नहीं बोलने वाला हूँ। इसके अलावा हमारा जो डेकोरम है आपको मालूम है कि सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं बेंचमार्क की। जब आप बेंचमार्क को कुछ देखेंगे, जब आप इंडेक्सेस को देखेंगे, जब आपको मालूम चलेगा कि आपका जो मार्केट है उसका डायरेक्शन क्या है, वो आपको क्या बोलना चाहता है, क्या डायरेक्शन चल रहा है, हमें किस टाइप से उसके ऊपर रिएक्ट करना है। सिंपली सबसे पहले जब हम इंडेक्स को देखेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा, हमें आइडिया मिलेगा अबाउट स्टॉक्स, अबाउट जो भी है, जितने भी कि हम किस टाइप से वहाँ पे चलना है, तो हम पूरे के पूरे उनको देखेंगे। तो इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स देन हम सेक्टर वाइज भी देखेंगे। आप बात करोगे कि सेक्टर वाइज आईटी देखेंगे, ऑटो देखेंगे, एफएमसीजी देखेंगे, हम फार्मा देखेंगे। इसके अलावा आपके माइंड में एक सिंपल क्वेश्चन होगा कि क्यों बाकी और इंडेक्सेस क्यों मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे वही यहाँ पे इंडेक्सेस वही हम इंक्लूड करते हैं जो कि एक बजिंग स्टेज में है, मीन्स या तो वो ब्रेकआउट के पास में है या फिर ब्रेकडाउन के पास में है, एक ऐसे लेवल पे है जो कि आपका ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट को रिएक्ट कर रहा है। तो हम इस टाइप से वो केवल एक लिमिटेड 6 नंबर्स ऑफ हेड रहते हैं किसी भी, आप बात करते हैं इंडाइसेस है या फिर ब्रेकआउट स्टॉक, ब्रेकडाउन स्टॉक्स, कैसे स्टॉक्स सभी है। तो वहाँ पर मैक्सिमम 6 ही रहेंगे, 6 से ऊपर नहीं रहेंगे। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप चार्ट बुक को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 6 हम क्यों लेते हैं। और 6 केवल हमें एक कनेक्ट करके रखता है, एक हमें डिसिप्लिन बनाता है, क्योंकि नहीं तो आप बात करोगे कि इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि जब बियर्स मार्केट रहेगा तो बहुत सारे बियर्स स्टॉक्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक लिमिटेशन भी जरूरी है, एक डिसिप्लिन भी वहाँ पे जरूरी है। तो यही रीजन है कि हम केवल 6 हेड रखते हैं, 6 हेड से ऊपर नहीं रखते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। जब भी आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में 3 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, मैं जब भी से बोल रहा हूँ कि जो निफ्टी है फाइनली अब कहाँ पे आया है, साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट क्या रहता है कि आपका जो मार्केट है ना, आपका एक बुलिस रहता है ना बियरिस। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इंडेक्स है या फिर प्राइस है वो आपका कंसोलिडेट होना शुरू होता है एक रेंज में, एक हॉरिजेंटल रेंज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल रेंज, आप डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम हॉरिजेंटल रेंज की बात करेंगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर जब मूव करना शुरू होता है कोई भी प्राइस, तो वहां पे हमारा जो बायर सेल है या फिर बोले से बियरिश नेचर है, वो एक अननेचुरल वे में रिएक्ट करता है। और इसका रिजल्ट होता है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, जो आपके एक्यूरेसी है वो वहाँ पे डाउन जाती है। तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको जब भी साइड वेज मूवमेंट रहता है तो वहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रेड है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, उनको ज़्यादा अवॉइड करना है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको मालूम है कि ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट होंगे, आपकी अल्टीमेटली वहाँ पे सफर करेगी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गैप 2 डेज, इसके बाद गैप, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया, यहाँ पे लगा था फाइनली, देन अगेन गैप, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, देन अगेन गैप, मीन्स ये अगेन गैप डाउन, फिर उसके बाद गैप अप, गैप अप, गैप अप, फिर उसके बाद गैप डाउन, गैप डाउन, फिर उसके बाद गैप, फिर गैप अप। मीन्स जस्ट क्या किया है यहाँ पे, जस्ट केवल ट्रैपिंग का पूरा पूरा गेम रहा है। तो सिंपल है कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि साइडवेज मूवमेंट में अगर चल रहा है तो सिंपली आपको अवॉइड करना है क्या, एक स्मॉल ट्रेड ज्यादा, मीन्स मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, एक शॉर्ट, जैसे आप बात कर रहे हो 2 दिन 3 दिन की बात कर रहे हो 4 दिन की, कि आपने उसके बेसिस पे देख लिया कि हाँ ये आपका मार्केट इस टाइप से चल रहा है, आप बुलिस मार्केट बोल रहे हैं, बियरिश मार्केट बोल रहे हैं। सिंपली ये साइडवेज है, यहाँ पे ना आपको बियरिश साइड में पैसा मिलेगा ना आपको बुलिस साइड में पैसा मिलेगा। जस्ट आप अगर एक लॉन्गर टर्म की बात करते हैं प्रोस्पेक्ट, तो आपको वहां पे चेंज हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म की बात करो, अब अगर आप एक
जो मीडियम टर्म की बात करते हैं, अगर हम ट्रेड के हिसाब से बात करते हैं, तो वो आपका वहाँ पे अलग है। तो वहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है अल्टीमेटली वहाँ पे सफर करने वाली है। अब हम बात करते हैं कि करेंटली जो निफ्टी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस लाइन बोली थी कि आपका रेजिस्टेंस लाइन ट्रेड कर रहा है और आपने यहाँ पे सेलिंग देखी थी ऊपर से, तो आप देखोगे कि अगेन इस मंडे यहाँ पे ओपन हुआ था और वहां से आपका अगेन यहाँ से सेलिंग आई थी। वही चीज मैंने लास्ट वीक आपको हम बोला था और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि परफेक्टली वहां पे मूव किया था। लेकिन जब आप देखोगे तो यहाँ से एक डायगोनल सपोर्ट भी आपका यहाँ पे चल ही रहा है। और फ्राइडे को आप देखो तो अगेन आप सभी को मालूम है कि अल्टीमेटली जब हमने 3 मंथ पहले चार्ट को ऑफ किया था, उसके पहले क्या हो रहा था, जस्ट फ्राइडे 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 फ्राइडे, केवल आपका फ्राइडे के दिन ही पूरा का पूरा गेम होता था यहाँ पर। वहां पर डाउन जाएगा, बहुत ज्यादा डाउन जाता था। अगेन वही को वही पूरा का पूरा गेम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आप देखो कि फ्राइडे के दिन एक अननेचुरल वे में मूवमेंट देता है मार्केट, बट यहाँ पे क्या हुआ आप देखोगे कि हैमर टाइप का भी नीचे से बाइंग आई है, जिसको हम जूम करेंगे, जूम करेंगे कुछ इस टाइप से। और आप देखोगे यहाँ पे कि एक यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका डायगोनल सपोर्ट के पास से थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। हमने रिसेंटली इसी सपोर्ट से बाउंस देखे भी हैं। ये आप बाउंस देखोगे तो ये वाला बाउंस, ये भी आपका बाउंस इस लेवल से ही देखा है, तो पॉसिबली यहाँ से बाउंस जो है यहाँ से बाउंस हो सकता है और आप देखोगे कुछ इस टाइप से मूवमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, जो फ्राइडे का जो हाई था वो क्लियर करेगा तभी हमें वहाँ पे देखना है। ये हमारी बात हो गई निफ्टी की। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। जब हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो सिंपली वही चीज है निफ्टी की, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। सिंपली साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या है क्या करना है, अगर मीडियम टर्म का अगर ट्रेड लेते हैं सिंपली वहाँ पे अवॉइड करना है। और आप यहाँ पे देखोगे बीच में तो यहाँ पे एक अल्टीमेटली बहुत ज्यादा छोटो छोटा और एक नैरो रेंज यहाँ पे बना रहा है। और नैरो रेंज आप देखोगे तो क्या है, 3,300 में 33,300 से लेके आपका देखोगे 31,900 के अराउंड या फिर 32,000 के अराउंड आपका यहाँ पर पूरा पूरा रेंज बन रहा है। तो यही है, ये दोनों लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद जो आउटसाइड में ये रेक्टेंगल है इसके लेवल्स को देखना पड़ेगा। बट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तो आप देखोगे कि इसके इनसाइड ही पूरा का पूरा मूवमेंट क्रिएट होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम और जूम करेंगे तो जब हम जूम करेंगे तो 120 मिनट का यहाँ पे आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट पॉसिबली थोड़ा सा दिख रहा है। ये वाली ये देखो तीनों के तीनों जो कैंडल्स है ऑलमोस्ट लो एक पॉइंट पे बनाया है। और इसका क्या होता है, मैं आपको और ज़्यादा इसको जूम करेंगे, ये देखो आप 15 मिनट जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये जो लो है जस्ट ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो पॉसिबली हम आप देखोगे कि जो इस वीक में यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा। और अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो आपको मालूम है कि क्या है, ये जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक करने के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको मालूम है कि नीचे की तरफ के लेवल भी इसके लिए ओपन हो जाएंगे। चलिए हम इसको देखें नेक्स्ट। निफ्टी बैंक के बाद हम बात करने वाले निफ्टी आईटी। जब तो आप निफ्टी आईटी को देखोगे तो निफ्टी आईटी इन सभी में एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि ये और ज्यादा मैं और ज्यादा साइडवेज मूवमेंट में रह सकता हूँ। और आपको मालूम है कि मैंने क्या बोला था, ये रेजिस्टेंस था, मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक और डोजी टाइप का पैटर्न बनाया, एक डोजी स्टार बनाया। डोजी स्टार के बाद आप देखोगे कि रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ मूव किया, तो ये सिंपली एक इनर सपोर्ट में चला है। इसके बाद आप देखोगे कि नीचे की तरफ जाके या अंदर एक जो सपोर्ट है एक और सेकेंड ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है और ये यहाँ पे रोल थोड़ा सा प्ले करने वाला है। और आप देखोगे कि यहाँ से बाउंस आपको इसके रिसेंट टाइम में इस लेवल के आसपास से बाउंस देखने को मिले हैं, तो पॉसिबली यहाँ से भी बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और अगर ज्यादा नीचे की तरफ देखना है कि हम ब्रेक डाउन कब आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि 25,250 का जो सपोर्ट है अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ भी हम मूवमेंट यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आपका निफ्टी आईटी इस टाइप से पूरा का पूरा मूव
कर रहा है। निफ्टी आईटी के बाद हम देखने वाले हैं निफ्टी ऑटो मैंने लास्ट वीक बोला था कि नियर ब्रेकआउट है, बट ब्रेकआउट जो आपका डायगोनल का था, ये डेली देखेंगे पहले। जब हम डेली को देखेंगे तो आप देखोगे कि लास्ट वीक जो है स्टार्टिंग के 2 डेज में आपका मार्केट बुलिश था, मीन्स ओपनिंग जो थी उसके बाद भी ऊपर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। और आप देखोगे कि अगेन जाके डायगोनल पे ब्रेकआउट तो दिया, बट एक और लेवल पॉइंट आउट आपको कराया था हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, लेकिन उस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ब्रेक नहीं कर पाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां से रिवर्स थोड़ा आ गया। और अब जब हम इनको क्लियर कर देंगे बाकी ड्राइंग्स को, तो आप देख पाएंगे कि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है सिंपली एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पॉसिबली नीचे की तरफ भी आ सकता है, बट एक जो अल्टीमेट है, एक अल्टीमेट जो लेवल देख रहा है इस पे करे आप रेजिस्टेंस को, तो हम एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। और जो कर्व है ये जो कर्व है पॉसिबली इसको फिल करते हुए भी देख पाएंगे, बट कब, जब ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है करंटली अभी दिया है उसको अगर ब्रेक करता है तो, और अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम अगेन इसके इनसाइड ही पूरा का पूरा मूवमेंट देख पाएंगे। और कौन सा बाकी साइडवेज में चल ही रहे हैं तो ये भी उन सभी को ज्वाइन कर लेगा और ये भी साइडवेज में अगेन चलने लगेगा। और आपको ये सपोर्ट लाइन समझ में आ रही होगी कि ये जो रिसेंट रेजिस्टेंस लाइन थी उसको वो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस लाइन, मीन सपोर्ट लाइन यहाँ पे वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो अब इसके बाद निफ्टी ऑटो के बाद हम बात करने वाले हैं निफ्टी एफएमसीजी। लास्ट वीक नहीं जो फ्राइडे का है वो पूरा का पूरा परफेक्टली मूव करने वाला केवल एक इंडेक्स था, वो भी निफ्टी एफएमसीजी। और निफ्टी एफएमसीजी क्या कर रहा है, ये भी साइडवेज मूवमेंट में पूरा का पूरा ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। आप देखोगे जो हाई है, जो ऑल टाइम हाई है इसका इंडेक्स का, आई थिंक वो आपका है अपर लिमिट। अगर जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा, जब तक आप मूवमेंट उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा सा इसको हम नीचे ले आते हैं। आप बोलोगे कि ये क्यों मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो जस्ट इसको मैं आपको दिखाने के लिए लाइन चार्ट अगर बनाऊंगा तो थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बना सकते। और वो जो एक क्लोजिंग थी, जब तक हमारी जो ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन थी वो केवल वहाँ पे एक 1 पॉइंट को टच कर रही थी, जब अगर हम इसको नीचे लेके आए तो 5 पॉइंट ये हो गया, एक 6 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट को टच कर रही है। और जब भी हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, कि कितना ज़्यादा मजबूत आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सिंपली आप कहाँ से देख पाते हैं, आप देख पाएंगे कि कितने मैक्सिमम पॉइंट को वो टच कर रही है, आप उसको और ज़्यादा परफेक्ट बना पाएंगे। तो यही है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही है तो नीचे लाने में कोई इशू नहीं है। और आप जब देखोगे कि करंटली ये जो रेजिस्टेंस है अभी भी यहाँ पे वर्क करते हुए थोड़ा सा दिखेगा, बट अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएगा। और ऑल टाइम हाई जैसे बनाता है तो आप देखोगे कि जो मूवमेंट है वो यहाँ पे कैरी होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी देखने को मिलेगी। और यस, एफएमसीजी में ही आईटीसी आता है, हाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है वो स्टॉक, बट एफएमसीजी में स्टिल एफएमसीजी में ही उसको इंक्लूड किया जाता है। और उसी के कारण ही ये जो इंडेक्स है इतना ज़्यादा भागते हुए आपको देखने को मिला था। अब हम एफएमसीजी के बाद हम निफ्टी फार्मा की बात करते हैं। दिस वाज लास्ट, ये हमारा जो स्टॉक है इंडेक्स है, ये हम लास्ट डिस्कस करने वाले हैं। जब आप देखोगे सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट जब आप देखोगे तो मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, हमने देखा था कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना था। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको पॉइंट आउट कराया था कि जो शूटिंग स्टार था वो बना, उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट आया और उसके बाद पूरा का पूरा मूवमेंट लूज करते गया और इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा था। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, बट क्या यहाँ से गिरेगा, जस्ट हम केवल नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आएगा ही आएगा। रिवर्सल हम कब बोल सकते हैं, जब इसको कंफर्म करेंगे बाकी चीज़ें भी, आपका जो नेक्स्ट मोमेंट है, नेक्स्ट प्राइज है, अगर वो कंफर्म करती है तो हम फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे चलेंगे। हम हमेशा से प्राइज को फॉलो करते हैं, हम प्राइज को लीड नहीं करते हैं। टेक्निकल प्राइज को फॉलो करना ही है, प्राइज को लीड करना हमारा काम नहीं है, वो ऑपरेटर करें, जो भी है जो करने वाले हैं वो करें, बट हम नहीं करते हैं। हम अगर टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल हम
सिंपली फॉलो करते हैं तो वही है कि अगर नीचे की तरफ कंफर्म करता है तो ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर यही इसका जो हाई है अगर इसको क्रॉस करके ऊपर की सब सस्टेन हो जाता है, तो ये जो पहली पिछली बार हमने सेलिंग देखी थी ये यहाँ पे फेल हो जाएगी, और अगेन आप देखोगे कि परफेक्टली ऊपर की तरफ ओपन स्काई में आपको फार्मा उड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए ये हमारे इंडाइसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और आई थिंक हमें मालूम है कि कौन सा इंडाइसेस किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। आप देखोगे FMCG थोड़ा स्ट्रांग है, निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो वही कहानी साइडवेज। इसके अलावा जब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो की, तो निफ्टी ऑटो आपको मालूम है कि नीचे से बाउंस किया था बट रेजिस्टेंस के पास से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक साइडवेज मूवमेंट टाइप का ही चल रहा है। इसके बाद जब हम बात करते हैं निफ्टी IT, तो उसमें कुछ कहने सुनने को है ही नहीं। इसके बाद निफ्टी फार्मा की बात करेंगे तो थोड़ा रेजिस्टेंस के पास में, बट इसको हम ना BS बोल सकते ना बुलिस बोल सकते हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको बताएगा। तो चलिए ये हमारा इंडेक्स कंप्लीट हो गए, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स की। ब्रेकआउट स्टॉक्स में आपका सबसे पहले आप सभी का चाहिए था कौन सा, ITC। ITC पहले हम वीकली चार्ट का भी डिस्कशन कर ही लेते हैं कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो फेलियर है लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, और यहाँ पे जो रेंज है क्यों परफेक्टली मूव नहीं करता है, क्यों टेक्निकल एनालिस्ट की जान लेके रखे हुए है स्टॉक, और क्यों इतना ज़्यादा लोग इसको ट्रोल करते हैं, क्यों ये सांप की कुंडली को जैसा लेके बैठा है केवल इस रेंज में, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये जो रेंज है रेंज बिटवीन 250 टू 196, ये जो रेंज है आज की नहीं है, 2013 से लेके 2017 तक केवल इसी रेंज में था। मीन 2013 से 2017 आप ये हिसाब लगाइए 4 ईयर्स, एंड उसके बाद ऊपर की तरफ आया, देन अगेन सपोर्ट यहाँ पे लिया उसी रेंज में, फिर नीचे की तरफ आया एंड अगेन उसी रेंज में, तो क्या इस टाइप से भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड लेने वाले हैं यहाँ पे बहुत से ज्यादा होते हैं, और अगेन वही चीज है कि यही चीज आपको लीड करके जाती है कि जो साइडवेज मूवमेंट है इसी कारण आप देखो कि जो एक्यूरेसी है यहाँ पे ट्रूवल करती है। ITC देखोगे उतना ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशन से मूव नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइडवेज मूवमेंट, और रिसेंट यही लाइन में इतना ज्यादा ट्रेड हुआ है कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो ट्रेडर्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा, तो यही रीजन मैन है कि यहाँ से उतना ज्यादा बाउंस देखने को नहीं मिलता है या फिर उतना ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। और जब हम बात करेंगे अभी करंट चार्ट की, तो करंट चार्ट में थोड़ा सा सिनेरियो उसी टाइप का है, बट यहाँ पे हम एक वन वीक की बात कर रहे हैं, वन वीक की जब हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा आगे का नहीं सोचना है, ये तो मैंने आप सभी के लिए इस कारण से डिस्कस किया कि क्योंकि यहाँ पे स्टॉक होकर बैठा है, बट जब आप देखोगे तो नीचे की तरफ से ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस आया था, यहाँ से बाउंस आया था, ये तो आपका यहाँ पे बाउंस आया था, हमें कितना बाउंस चाहिए, जितना ये जितना यहाँ पे दिया था इतना ही हमें बाउंस चाहिए, इतना यहाँ पे दिया था यहाँ इतना ही बाउंस चाहिए, इतना यहाँ दिया था इतना ही बाउंस चाहिए, इतने जितना भी दिया है रिसेंट टाइम थोड़ा सा उसका थोड़ा हमें दे दे उतना ही हमें बाउंस यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे आप जब देखोगे कि ये कंसोलिडेट तो हो गया भाई सपोर्ट के पास में, ये हमारी एक चीज़ को यहाँ पे कंफर्म कर दिया, कंसोलिडेट होने के बाद क्या हुआ, किसने कंफर्म किया प्राइस ब्रेकआउट का एक रेजिस्टेंस के पास में। रेजिस्टेंस आप बोलोगे कि क्या ये ज़्यादा वैलिड है, तो हम आपको मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, जूम मतलब 30 मिनट के चार्ट पे, तो आप देखोगे कि कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्यारा रेजिस्टेंस कलर, आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, और रिसेंट टाइम और थोड़ा जाएंगे तो 8 9 10, तो ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया है, इसके बाद ऊपर की तरफ गया है, तो ये पॉसिबली यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, और ये तो प्राइस ने कंफर्म किया, प्राइस के बाद आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको दिख रही है, वॉल्यूम ने कंफर्म किया ही है, तो इतना ज़्यादा हमने सोचने के बाद समझने के बाद उसको ऐड किया है मैंने अपने उसमें चार्ट में कि बुलिश साइड में थोड़ा सा,
आप देखोगे ये रेस्टोरेंट डायगोनली भी थोड़ा सा ब्रेक किया, तो पॉसिबली थोड़ा सा मूवमेंट आपको इस टाइप से देखने को मिल सकता है। और अब इसके बाद भी अगर नहीं जाता है तो हमने पूरा का पूरा कम्प्लीटली इस पर पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया है, पूरा जितना एनालिसिस था पूरा लगा लिया। इसके बाद भी अगर मूव नहीं करता है तो हमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आईटीसी के बाद हम बात करने वाले नेक्स्ट ब्रिटानिया, अगेन वन मोर एफएमसीजी। हमने क्योंकि इंडेक्सेस देखा है कि कौन सा परफेक्ट लग रहा है, आप वहाँ पे देखेंगे नहीं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया आप देखोगे तो ये आपका रेक्टेंगल में परफॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल और साइडवेज मूवमेंट। अब साइडवेज मूवमेंट की आप बात करेंगे कि यहाँ पे क्या उस टाइप का अननेचुरल टाइप का बिहेवियर दिखा है साइडवेज में? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं दिखा है। क्योंकि आप देखोगे जब ये यहाँ से नीचे की तरफ आया तो ऐसा नहीं है कि एक रेंज में एक स्टिक होके ज्यादा अटक अटक के आया हो। ऊपर गया तो भी अटक के नहीं गया, नीचे की तरफ आया तो भी ज्यादा अटक के नहीं गया, ऊपर की तरफ गया तो भी ज्यादा कंसोलिडेट होके नहीं हुआ है, नीचे भी आया तो कंसोलिडेट ज्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ से अगर बाउंस करेगा भी तो पॉसिबली आपका हमारा जो रिसेंट मूवमेंट है वो हमें सजेस्ट करता है कि इतना ज्यादा कंसोलिडेट होके नहीं जाएगा। एक जो मूवमेंट है, एक जो नेचुरल मूवमेंट चलता है उस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है क्या यहाँ ये परफेक्ट सपोर्ट है? सिंपल, एक दो तीन चार पाँच, एक सिक्स पॉइंट है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम, यस थोड़ी सी वॉल्यूम मिसिंग है, बट जब आप देखोगे कि क्या वॉल्यूम केवल यहाँ पे मैटर करेगी, क्योंकि आप देखो कि इतने दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, ये जो वॉल्यूम है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज्यादा कंफर्म करती है, ज्यादा वो लॉजिक ज्यादा डिटेल में हो जाएगा वो हम देखेंगे बाद में। इसके बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला है, बट ऊपर से सेलिंग भी देखने को मिली है। तो ये जो हाई है इस दिन का, पूरे आज का जो हाई है ऑलमोस्ट सेम है, और ये जो हाई है अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है इसको ब्रेक करता है तो आप देखोगे ये जो रेक्टेंगल है इसको इसका जो रेंज है वो फिल करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एलटी की। टुब्रो को जब हम देखें तो देखना चाहिए, नहीं इसको नहीं देखना, एक्चुअली डेली चार्ट ही हम देखेंगे तो बेटर। यहाँ पे जब आप देखोगे तो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न में चल रहा है, नियर ब्रेकआउट है बट स्टिल ब्रेकआउट के नीचे ही है, तो इसको हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। और आप सभी को मालूम है कि डिसेंडिंग चैनल मुझे कितना पसंद है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो एस्टरडे का आई था, मीन्स थर्सडे का आई था और फ्राइडे का आई था, मीन्स वेडनेसडे को जो मार्केट ओपन हुआ था ज़्यादा कहीं, तो वो रेजिस्टेंस था जो हाई वही फ्राइडे को था। अगर वही हाई अगर ब्रेक करता है तो आप देखोगे उसके बाद जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी भी अगर हम देखेंगे तो बेटर रहेगा। और आप देखोगे करेंटली जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी ठीक है, 2 दिन थोड़ा ही ज़्यादा जंप है, इतना ज़्यादा नहीं है कि 2x 3x है, क्योंकि ये जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा रियली मूवमेंट देखने को, मीन्स वॉल्यूम में इतना ज़्यादा स्पाइक रियली देखने को मिलता है, तो आप उसको थोड़ा सा हम अवॉइड भी कर सकते हैं। वॉल्यूम को उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर कोई ज़्यादा लिक्विड वो है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले बाटा इंडिया। बाटा इंडिया अगेन मैंने आईटीसी का आप सभी को वीकली चार्ट दिखाया था, यहाँ पे हम डेली ही देखेंगे। डेली आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये जो रेंज है, यहाँ पे जो रेंज है 1231 से लेके 1400 का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और करेंटली आप देखोगे जैसे इसके अंदर आया तो इतनी बड़ी कैंडल लेके आया था कंसोलिडेशन को, आप देखोगे कि कोई भी होगा एक नॉर्मल होगा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो तो बोलेगा कि हाँ अब तो गया, क्योंकि आप देखोगे इस दिन 6% गिरा था स्टॉक बाटा इंडिया का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सब लोग बोलते हैं कि ये जो स्टॉक है वो गया ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, बट यही चीज़ यहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं कि हमें रिसेंट डेटा भी देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन था, क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है। जब आप देखोगे कि यहाँ ये जो रेंज है ये कंसोलिडेशन वाली रेंज है, और अगेन आके क्या हुआ वही कंसोलिडेशन में यहाँ पे फंस गया, तो यहाँ पे शॉर्ट करने वाले बाय करने वाले दोनों के दोनों को लेके डूबा है। यहाँ पे आप देखोगे कि बाउंस किया था, उसके बाद आप देखो एक नीचे की तरफ डिब्बी बनाया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ले गया, फिर नीचे की तरफ ले आया, फिर ऊपर की तरफ, मीन्स वही है। और एक केवल लोगों के साथ केवल खेला है इसने और कुछ नहीं किया।
इसके बाद आप देखोगे नेस्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ एक स्मॉल रेंज में ही, और रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की है बट वहां से नीचे की तरफ पुश किया गया है। तो आप देखो कि जो डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर डायगोनल रेजिस्टेंस का जो लेवल ब्रेक करेगा 1400 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल तो आपका हो ही गया, इसके अलावा जो यहाँ पे हमारी जो रेंज है इसका लेवल तो हो ही गया है, तो यहाँ पे अगर इसको सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है, तो आप देखो कि जो मूवमेंट है आपको ऊपर की तरफ 1500 और 1530 के अराउंड तक भी आपको देखने को मिलेगा। बट वही है कि 1400 का लेवल ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करने के अलावा वहां पे सस्टेन भी होना चाहिए बट इंडिया। देन हमारे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं, केवल चार में हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक है। इंडसइंड बैंक, यहाँ पे हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे, ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडसइंड बैंक जो है, आप सभी को मालूम होगा कि मेरा मेरी बहुत अच्छी बनती है इस स्टॉक से, कंसोलिडेशन में था जब भी बनती थी, यहाँ पे भी बनती है। यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन हुआ था, साइडवेज में गया, देन डाउन ट्रेंड में आया नीचे की तरफ, देन अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, साइडवेज में गया, साइडवेज के बाद आप देखोगे कंसोलिडेशन हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। जो प्राइस है वो सपोर्ट यहाँ पे कर ही रहा है, जो कैंडल स्टिक है वो आपको सिंपली बोल रहा है कि नीचे की तरफ जाएगा जाएगा। इसके अलावा जब आप बात करते हैं कि क्या ये क्या बना रहा है ये, तो आप देखोगे बी पॉइंट है, डाउन ट्रेंड अगर आप मानते हैं तो ये आपका लोअर हाई बना रहा है। इस टाइप से जितने भी आप चीज़ें लगाना चाहो, ज़्यादा अगर मर्ज करोगे तो बेटर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट उन्हीं में कि एक आपको बोला है बुलिस, एक बोला है आपको बियर्स, तो उस टाइप से थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके अलावा आप देखोगे कंसोलिडेशन हुआ, ये आपको सजेस्ट कर रहा है नीचे की तरफ आने का, और आप देखोगे कि पॉसिबली जो मूवमेंट है 850 और 825 तक भी यहाँ पे जा सकता है, सिंपली आपको बोले। इंडसइंड के बाद हम बात करने वाले ग्रासिम, तो ग्रासिम को आप जब देखोगे तो ग्रासिम डेली चार्ट पे उतना ज़्यादा बेटर उस टाइप से हमें अंडरस्टैंड में नहीं आएगा, और आ भी सकता है क्योंकि आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेवल पे क्लियरली देखने को मिला है। आप देखोगे रिसेंट टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिला था अराउंड 200 पॉइंट का, यहाँ से भी पॉसिबली 200 और 300 पॉइंट के अराउंड तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो पैटर्न है वो एम टाइप का मिलता, यही रीजन है कि मैंने थोड़ा सा आपको जूम इन करके ही चार्ट वहाँ पे पोस्ट किया है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे मेन चीज मैंने क्या मेंशन किया कि ये जो लो है अगर ब्रेक करेगा तो, यही रीजन था कि मैंने 240 मिनट का आपको चार्ट पोस्ट किया है, मैंने डेली पोस्ट नहीं किया है। क्योंकि जब आप डेली देखते हो तो एक नज़र में ऑटोमेटिकली आपको बियर्स दिखता है, बट आप उसको थोड़ा जूम इन करोगे तो आपका जो व्यू है वो वहाँ पे चेंज होता है, और अगर आप यही 15 मिनट पर चले जाओगे तो फिर तो मूव आपका आपका जो माइंड है वो पूरी तरह चेंज हो भी सकता है, क्योंकि आप देखोगे नीचे की तरफ जो वॉल्यूम अच्छी आई है और यहाँ से बाउंस भी हुआ है। तो वही चीज़ है कि हमें क्या करना है, वेट करना है हमारे लेवल के नीचे कन्फर्म करने का। ग्रासिम के बाद हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, बट कब तक, कि जब तक हमने ये ना देखा हो कि लास्ट टाइम ब्रेकआउट के बाद रिवर्स आया था, यहाँ पे तो ब्रेकआउट है भी नहीं, लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था विद वॉल्यूम दिया था, मैंने चार्ट पोस्ट किया था आई थिंक कि नहीं उस टाइम, हाँ मैंने चार्ट पोस्ट किया था और मुझे इसने धोखा दिया था, उसी चीज का मैं बदला यहाँ पे ले रहा हूँ उससे, या आपने हमें लास्ट टाइम बदला दिया है, आप इस टाइम हम भी चाहते हैं कि आप नीचे की तरफ आओ, और रेजिस्टेंस आप देखोगे कि वहां से जहां से सेलिंग देखने को मिली थी यहां से पॉसिबली यहां से हमें भी देखने को मिलेगी, कुछ इसी टाइप का वॉल्यूम बिल्डअप वहां पे था, पर आप देखो कि नीचे की तरफ आ रहा है, आप देखो कि यहाँ पे इवनिंग स्टार भी बना है, पॉसिबली यहाँ से एक जो सेल ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। तो वही है कोल इंडिया आपका इस कारण से मैंने बीएस में दिया है। इसके बाद बंधन बैंक, बंधन बैंक लास्ट वीक बहुत सारे लोग थे जो लिए हुए थे, रिजल्ट बहुत खराब आया, सब लोगों ने जो होल्ड करने वाले थे वो कहते हैं अब तो कल बहुत नीचे खुलेगा और नीचे की तरफ जाएगा जाएगा और नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। क्या हुआ आप देखोगे कि मंडे के दिन क्या हुआ था, मंडे के दिन 4% नीचे ओपन हुआ था,
बट अल्टीमेटली क्लोज कहाँ पे था, -47%, मतलब 0.47% केवल माइनस, ऑलमोस्ट फ्लैट वहाँ पे ओपनिंग हुआ था। इवन आपका प्लस में भी गया था 305, और मैंने ग्रुप ग्रुप में आप सभी को बोला था कि जो ट्रेवल वर्ड है वही मैं सुनना चाहता था केवल रिटेलर्स से, ये जो ट्रेवल वर्ड है ये केवल मुझे स्टैंड देता है इसको बाय करने का। तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे गया था रिजल्ट खराब होने के बाद भी, क्योंकि आप देखो कि जो रिजल्ट खराब आया था वो कहाँ पे आया था, सपोर्ट के पास में, पर हमने क्या देखा है, यहाँ बाउंस उस सपोर्ट के पास, ये बाउंस वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उस टाइम पे यहाँ पे बाउंस आया था। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ होगा और वही ओपन लो भी बराबर था, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, और आप देखोगे करेंटली कि जो उस दिन का जो लो था वो यहाँ पे क्रॉस किया है नीचे की तरफ, और ये इसको बनाता है थोड़ा सा बियर्स, और जिस कारण से आप देखोगे कि जो नीचे की तरफ का जो लेवल है पॉसिबली आपको थोड़ा और देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सेलर्स है वो केवल उस दिन का रिजल्ट देखने के बाद बुक करके बाहर निकल के भाग गए होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हमको बंधन बैंक में देखने को मिल सकता है। अदानी पोर्ट नेक्स्ट, अदानी पोर्ट फाइनली, अदानी का कोई स्टॉक बियर साइड में आया होगा, मैं दिए को बियर साइड में डालने की, बट यहाँ पे कंडीशन आप सभी को मालूम है कि ये जो लाइन है जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करना जरूरी है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही हम इसकी बात करेंगे। तो 725 अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। आपको मालूम है कि वॉल्यूम भी इतना थोड़ा सा मिसिंग है, बट जो डायगोनल लाइन है ये अच्छी लाइन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। और जो 725 है थोड़ा सा हमने मार्जिन लेके भी लिया है 725 720, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ही हम बात करेंगे, अगर ब्रेक नहीं करता है तो कोई नहीं, अदानी जो है आपका वो इतना परफेक्ट चला है तो अभी उसको देखने रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे अदानी पोर्ट के बाद नेक्स्ट ग्रीन वेल्स, हम बात करने वाले ग्रीन वेल्स की। ग्रीन वेल्स को जब आप देखोगे तो ये बहुत सारे लोगों का मानना था कि रिजल्ट अच्छा आया था, सरप्राइज था, 150% का सरप्राइज था, बहुत अच्छा सरप्राइज था। आप देखोगे कि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक पिटा है, और करेंटली क्या किया है इसने कि जो हमारी अप ट्रेंड लाइन थी उसको भी ब्रेक डाउन दिया है, उसको ब्रेक किया है, वॉल्यूम आपका यहाँ पे मैच कर ही रहा है। और जब आप अगर हम आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डाउन ट्रेंड का तो आपको कुछ इस टाइप से भी देखने को मिलेगा। तो वही है कि आपका जो स्टॉक है बेसिकली मूव कर सकता है 300 की तरफ आने वाले टाइम में, तो हमें थोड़ा सा इसको देख के रहना पड़ेगा। ग्रीनवेल्स की बात हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, दो चीज़ आपने लर्न की होगी कि अच्छा रिजल्ट आए तो ये जरूरी नहीं है कि आपका स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे हुआ था सरप्राइज था, ज़्यादा सरप्राइज था, अच्छा था ग्रीनवेल्स में वो स्टॉक गिरा। इसके अलावा जब आप देखोगे बंधन बैंक टेरेबल था, बहुत खराब रिजल्ट था उसका, बहुत ज़्यादा एस्टिमेट से नीचे आया था, लेकिन जो स्टॉक है फाइनली मैनेज कर पाया था आफ्टर रिजल्ट कि वो फ्लैट क्लोज हो पाया था। इस कारण से एंड यहाँ पे एक चीज़ हमेशा देखना है कि अगर आपको फंडामेंटल अगर आप मैच करते हैं टेक्निकल के साथ तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए, बेटर रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्टॉक टू वॉच। स्टॉक टू वॉच में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बोलकर, जस्ट 1 मिनट मैं ब्रेक लेना चाहूंगा।
चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टॉक टू वॉच। जब हम बात करते हैं स्टॉक टू वॉच की, तो यहाँ पे स्टॉक ना ब्रेकआउट के पास मीन ना ब्रेकआउट पे है ना ब्रेकडाउन पे। हम यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट स्टॉक्स की, मीन ब्रेकडाउन स्टॉक्स की। तो यहाँ पे हम जब बात करने वाले हैं बुलटास की, तो बुलटास आप देख पा रहे होंगे कि ये डिसेंडिंग चैनल में आपका यहाँ पे चल रहा है। बट ये जो आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो क्या हुआ, ऊपर की तरफ ओपन हुआ, नीचे की तरफ आग क्लोज हुआ। तो ये जो कैंडल है यही थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पे इशू करता है। और आप देखो कि वॉल्यूम भी यहाँ पे है और उस दिन रिजल्ट भी था, सरप्राइज था, अच्छा था, बट उसका सेल ऑफ देखने को मिला। तो वही है कि जो उस दिन का हाई था उसके लिए हमें वेट करना है 1025 का। 1025 अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो हम अपसाइड की तरफ इसमें देख पाएंगे। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो अगेन आपको मालूम है कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम है कि जो साइड में मूवमेंट है इसका जो मूवमेंट है पूरा का पूरा किल कर सकता है। बुलटास के बाद हम बात करने वाले रिलायंस की। तो रिलायंस को जब आप देखेंगे तो रिलायंस सिंपली या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आप ट्रायंगल ही पाएंगे, और अपन अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा और पॉइंट उतने ही टच हो रहे हैं लगभग। तो वही हॉरिजॉन्टल सब हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, मीन सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने के बाद आप देखोगे कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिला है। जो इनडिसाइसिव कैंडल है जो कि आपका बुल्स को थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, वो यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पे जब हम इसको जूम करेंगे 1 आवर के चार्ट पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है वो परफेक्ट आपको देखने को मिला है। नीचे की तरफ कंसोलिडेशन भी हो रहा है। अगर ये जो कंसोलिडेशन है इसको अगर ब्रेक कर जाता है और इसके ऊपर जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहाँ कहीं इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो जो मूवमेंट है वो हमें इनसाइड पैटर्न देखने को मिलेगा। और जो पैटर्न है वो इसको फोर्स करेगा, इसको जो अपर लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरफ मूव करने को कुछ इस टाइप से, हमें इसको थोड़ा सा देखना है। चलिए अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बाद एस सी एल टेक सिमिलर रिलायंस के जैसा ही है। अब जब आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अब जब आप बात करोगे कि ये सपोर्ट आया कहाँ से, तो सिंपली जो रेजिस्टेंस था रिसेंट टाइम में वो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट आया। अब आप बात करोगे कि वो एक स्पेसिफिक लेवल एक परफेक्ट लेवल पे ही नहीं है, तो क्यों, क्योंकि आप जब देखोगे कि सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस जोन थोड़ा कुछ होता है, तो आप उसको थोड़ा रीड कीजिए आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप देखोगे कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला है, इसकी हमेशा जगह हमें तलाश लेती है। यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला बट यहाँ पर वॉल्यूम स्टिल मिसिंग। वॉल्यूम के अलावा जब आप देखोगे कि क्या प्राइस ने ब्रेकआउट कन्फर्म किया है, नीचे रिवर्सल कन्फर्म किया है, स्टिल नो। क्यों, हमने इसको जूम करेंगे आप देखोगे कि नीचे की तरफ देखो आप कितना प्यारा नीचे की तरफ यहाँ पर कंसोलिडेट होते हुए ट्रेड कर रहा है। बट ये हम कब मानेंगे कि यहाँ से रिवर्स करेगा, जब यहाँ का जो हाई है इसको ब्रेक करेगा, 923 का जो हाई है इसको ब्रेक करेगा, तो हम मानेंगे कि यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको यहाँ पर देगा। तो ये आपका ये एससीएल टैग हो गया। एससीएल टैग के बाद हम बात करने वाले हैं किर्लोस्कर। आपको मालूम है कि किर्लोस्कर मैंने आज से 5-6 मंथ पहले भी आपको बोला होगा और पहले भी बोला होगा कि जो किर्लोस्कर है जस्ट एक एग्रीकल्चर में एक अच्छी चीज ला रहा है। जो इंजन्स हैं वो छोटे छोटे इंजन्स उसमें बहुत अच्छा है। और किर्लोस्कर इंजन की बात करेंगे, यहाँ पर ऑयल इंजन है जो भी है, बाकी मीन्स किर्लोस्कर जो इंडस्ट्री है वो अल्टीमेटली बहुत अच्छी लग रही है। जब हम बात करें एक थोड़ा सा उनका बिजनेस प्लान, मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके ऊपर लोन क्या है, बट जस्ट मैं उसका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि जो वॉल्यूम है यहाँ से जो 100 के लेवल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है पहली बात तो। और अल्टीमेटली जब आप देखोगे कि जो पैटर्न है वो आपको कर्व देखने को मिला है,
कर्व यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 200, और कर्व के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिली थी 220 के यहाँ से। 220 के यहाँ से अगर सेलिंग देखने को मिली थी आपको थोड़ी सी, तो वेट करना है 220 को ब्रेक करते हुए, या फिर अगर यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क आपका ज़्यादा रहेगा। तो वही है कि 220 अगर ब्रेक करता है तो आप देखोगे कि उसके बाद आपको मूवमेंट देखते हुए देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। 220 अगर जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप देखोगे कि 250 और 300 के राउंड भी आपको मूवमेंट देखते हुए देखने को मिलेगा। और अगर 220 ब्रेक नहीं करता है और नीचे की तरफ 200 ब्रेक कर जाता है, तो अगेन आपको मालूम है कि इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं, जो कैश स्टॉक्स हैं, यहाँ पे जो ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, तो इनका जो मूवमेंट है, जो स्प्रेड है, थोड़ा सा हाई रहता है, और इस कारण से जो इनका फॉल और राइज है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। अब हम बात करने वाले हैं किर्लोस्कर के बाद, एरोग्रीन। एरोग्रीन में नहीं, एरोग्रीन मैंने नहीं पोस्ट किया, जस्ट मैं देखता हूँ मैंने चेंज किया है कुछ। अदानी को क्लोज, ओके मैं बोला था क्लोज कर दीजिए। एरोग्रीन मैंने चेंज किया है, एरोग्रीन मैंने क्यों चेंज किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। एरोग्रीन, एरोग्रीन को जब आप देखोगे तो चार्ट तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बट इशू क्या है, वॉल्यूम 1 वीक में वॉल्यूम था 79 के, और वो भी 100 रुपीज़ के शेयर में, इतना तो लाइक ही नहीं है। आप देखोगे कि अपर सर्किट में भी था और 45 के वॉल्यूम था, तो मीन्स उतना वॉल्यूम हमारे लायक नहीं है, वॉल्यूम अच्छा नहीं है, इस कारण से मैंने उसको सिंपली मिस किया था, मैंने अलग किया है। लेकिन जब आप देखोगे प्राइस केवल, तो प्राइस बहुत प्यारा है, और आपने रिसेंट टाइम में देखा भी होगा कि 700 से 30 रुपये आने में कोई टाइम नहीं लगा था, तो थोड़ा इस टाइप के स्टॉक से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा लगता है। ना तो बायोजिन की बात करते हैं, ना तो बायोजिन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बिगली चार्ट ही देखेंगे इसका। बिगली चार्ट जब आप देखोगे तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में आपका यहाँ पे ब्रेकआउट है, आप चाहें तो इसको डिसेंडिंग चैनल भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं बनाया, थोड़ा सा इस टाइप से रहेगा, तो आप इस टाइप से भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के अलावा जब आप देखोगे ये जो वॉल्यूम है, ये 250 से लेके अभी तक जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस क्या सपोर्ट कर रहा है, कि अगर जो नीचे की तरफ यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होगा तो वो इसको इजीली नीचे की तरफ गिरने नहीं देंगे, और यहाँ तो ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट जो आया है ये वॉल्यूम के साथ आया है, अच्छा वॉल्यूम है, और ये यहाँ पर फोर्स करेगा स्टॉक को ऊपर की तरफ लेवल में जाने के लिए। लेकिन क्या रोक रहा है कि जो मैं इसको स्टॉक टू वॉच में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे डेली चार्ट जब हम देखेंगे तो डेली चार्ट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ से सेलिंग जो आया है, जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है लास्ट 2 डेज में, जस्ट वही रीजन है कि इसको मैंने स्टॉक टू वॉच में डाला है, ना कि कैश स्टॉक्स में। तो हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं ना तो भाई जिनकी बात है एरिन का, एरिन नहीं है, ओके एरिन नहीं है, इसको हम जब डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा नहीं है, बट यही है रीजन है कि वॉल्यूम के कारण ही मैंने इसको स्टॉक टू वॉच में डाला है, नहीं तो ये बहुत प्यारा स्टॉक दिख रहा है। आप देखोगे का हैंडल पैटर्न है, नियर ब्रेकआउट है, वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा स्पाइक है, बट जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इशू यहाँ पे क्रिएट करता है, क्योंकि 20 रुपीज़ का शेयर है, और उसके बाद भी 1 लाख का भी अगर वॉल्यूम, 1 मिलियन का भी अगर वॉल्यूम ना हो तो कोई इशू है, फिर तो इशू ही है। तो यही रीजन है कि इसको हम वेट करेंगे, बट अगर 21 अगर वेट करता है तो आप मालूम है कि इस टाइप का जो स्टॉक है अपर सर्किट मूव कर भी सकता है, क्योंकि हमने देखा है लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ही बात करता है, नॉर्मली तो बात करता ही नहीं स्टॉक। अब हम बात करते हैं कैश स्टॉक्स की, कैश स्टॉक्स में हम बात करने वाले हैं विंड चैम्प, विंड मशीनरी, विंड सोलर मशीनरी। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 25 पे 25 के अराउंड मैंने आपको पोस्ट किया था, उसके बाद मूव किया है धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव किया, देन अगेन जाके ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन हुआ, मीन्स ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो आप देखोगे जो डायगोनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे बन रहा है वॉल्यूम, इस कंसोलिडेशन बहुत प्यारा था, और अगर यही वॉल्यूम के ऊपर
क्रॉस करके ऊपर की तरफ अगर लेवल जाता है, मीन जो 31 का लेवल है, अगर इसको ऊपर अगर सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है, तो आप देखोगे जो मूवमेंट है वो 40 और 48 के राउंड तक आपको देखने को मिल भी सकता है। और यहाँ पे क्यों मैंने ले लिया है, क्योंकि ये ओपन था, यहाँ से सिंपली बहुत तेजी से लोअर सर्किट लेके स्टॉक गिराए, तो यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे बाय करके कोई तो ट्रैप हुआ नहीं होगा ज्यादा, पर अगर हुआ हो तो उसकी इतनी हिम्मत तो होगी नहीं कि इस स्टॉक को लेके आ जाए, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो यहाँ पे ट्रैप हुए नहीं होंगे, रिटेलर होगा छोटा मोटा, तो वही है कि इतना ज्यादा वो नहीं है। हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये इस टाइप से आप देखोगे, इस टाइप से मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। विंडसोलर में, विंडसोलर के बाद उमंग डेरी, ये उमंग डेरी क्यों भागा है आपको मालूम है कि शुगर भागा, फिर चाय भागा, सब भागा, तो अब दूध की जरूरत है तो उस कारण से भागा। इसके अलावा आप जब बात करोगे कि आईपीओज में डेरी कोई आ रही है, तो वही है कि जब भी आईपीओ आता है किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप देखोगे कि उसके जो पीयर्स होते हैं वो भी भागने शुरू होते हैं, क्योंकि जैसे आईपीओ आया तो आईपीओ को जब हम देखते हैं, डेटा देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, तो उसके बाद कंपेयर करते हैं विद पीयर्स, पीयर्स को जब हम कंपेयर करते हैं, तो अगर हमें पीयर्स अच्छा लगता है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है या फिर बड़े बड़े लोग हैं, तो वो जब इस टाइप के पीयर्स को कंपेयर करते हैं, उसको बाय कर पीयर्स को कंपेयर करते हैं, तो पीयर्स पर जब उनकी नज़र जाती है तो वो पीयर्स को भी उठाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नया आ रहा है आईपीओ केवल उसी को लेंगे, वही है कि अगर उसका पीयर्स अच्छा रहता है इन कंपेरिजन ऑफ आईपीओ, तो उसको भी उठाना शुरू करते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी कहानी देखने को बन मिलती है मैक्सिमम स्टॉक्स में। और आप देखोगे कि जो करेंटली स्टॉक है वो आपका कैपिटल हैंडल, परफेक्ट कैपिटल हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। जब आप बात करोगे वॉल्यूम, वो तो आपका दे ही रहा है, प्राइस आपका कन्फर्म कर ही रहा है, मीन्स जो आपका ब्रेकआउट, एक अच्छा जो ब्रेकआउट हमें चाहिए होता है वो तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम 1.63 मिलियन है, तो और क्या चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। तो वही है, आने वाले टाइम 84 100 के राउंड भी आपको देखने को मिल सकता है, 65 के राउंड सपोर्ट रहेगा, इतना ही देखना है। उमंग के बाद हम बात करने वाले हैं ईबेक्स, ईबेक्स की जब हम बात करेंगे, तो ये तो मैंने बाय करके रखा हुआ है, पर इसको मैंने अलर्ट नहीं लगाया, मैं अलर्ट लगाया, इसके अलावा मैंने बाय करके भी रखा, क्योंकि मैं इस स्टॉक को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे मुझे उस टाइम पे इतना प्यारा लगा था 490 के अराउंड, ये इस टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब ब्रेक किया था 508 के अराउंड, 490 के अराउंड मैंने बाय किया था, क्योंकि उस टाइम मैंने इसका जो चार्ट है वो देखा तो बहुत अच्छा था, क्योंकि आप देखोगे जो कंसोलिडेशन है नीचे की तरफ से वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके अलावा आप देखो कि जो रेजिस्टेंस लेवल है 575 और 550 के अराउंड का, अगर उसको ब्रेक करता है तो आप देखोगे जो इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे किसी ने भी बाय किया है तो वो नीचे नहीं आएगा। इसके बाद जो न्यू एंट्रीज है वो ज़्यादा यहाँ पे मर्ज होंगी, और आप वहाँ पे मर्ज होंगी, वहाँ पे आएंगी, ये मर्ज होंगी, तो उसके बाद आप देखोगे जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि एक स्पीड से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जस्ट वही है, 575 के राउंड अलर्ट लगा सकते हैं, 550 के राउंड भी अलर्ट लगा सकते हैं अगर ये ब्रेक करता है। उसके बाद आप देखोगे कि ईबेक्स पॉलिक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए देखने को मिल सकता है, ये आपका हो गया। इसके बाद ब्रोकर जियो, अब आप यहाँ पे आप देखोगे बिगली चार्ट यहाँ पे देखना है, आप देखोगे कंपन हैंडल परफेक्टली आपको देखने को मिल रहा है। सबसे मेन चीज जो नोटिस करने वाली है, यहाँ से वॉल्यूम 18 के राउंड है, आप देखोगे यहाँ तक जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको देखने को मिली है। और आप करेंटली देखोगे तो ये आपका ब्रेकआउट का है, कंपन हैंडल ब्रेकआउट का है, और आपका जो वॉल्यूम है लास्ट 3 वीक का वो तो बहुत प्यारा है। तो अगर इस टाइप का अगर वॉल्यूम है, इस टाइप से आपका ब्रेकआउट है, तो आप देखोगे आने वाले टाइम में आपको ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आपको स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो एरिस लाइफ साइंस, ये भी कुछ उसी टाइप से ही आपका चल रहा है। डेली चार्ट जब आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, वॉल्यूम लास्ट वीक अच्छा था, और करेंटली आप देखोगे कि जो हाई था उसके नीचे ही पूरा का पूरा सस्टेन कर रहा है, मीन्स उसके अंदर ही पूरा का पूरा ट्रेड कर रहा है, मीन्स मदरबोर्ड अभी बन रहा है। और अगर आपको चाहिए तो ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है जो हाई है उस पर आप अलर्ट लगा सकते हैं,
65 के राउंड, अगर इसको जिस दिन ब्रेक करेगा तो उसी दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं SKM। SKM आपको मालूम है कि मैंने फ्राइडे को पोस्ट किया ही था, फ्राइडे को 59 से 65 तक गया था, 65, हाँ वही 65 तक गया था, और अपर सर्किट के अराउंड भी गया था, टच भी गया था। अब यहाँ पे जब आप बात करोगे कि लाइन चार्ट को जब हम इसको देखेंगे तो आप देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न आपको देखने को मिला है वॉल्यूम, वो तो आपने फ्राइडे को देखी ही थी, फ्राइडे के एक दिन पहले भी देखी थी, तो बहुत ही स्ट्रांग है। बैंकिस आपने देखा, आपने यहाँ पे SKM देखा, तो वही है कि इस टाइप से जब मोमेंट आया है यहाँ पे, मैंने फ्राइडे को, फ्राइडे के एक दिन पहले पोस्ट किया, हो सकता है कभी पोस्ट किया हो, लेकिन तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, आप देखोगे वॉल्यूम बहुत अच्छी है, तो ये इसको लीड करेगा 75 और 80 90 के अराउंड तक मोमेंट को आने को, और जो सपोर्ट है वो 50 और 45 के अराउंड आपको देने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कैसे स्टॉक भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और आप सभी को मालूम है कि चार्टों में हम करेंसी और कमोडिटी भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो वेबिनार है उसमें इसको हम कवर नहीं करते हैं ड्यू टू टाइम। और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा 50 मिनट हो चुका है, और जो लास्ट का सेक्शन है वो मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से बोलते हुए भी कंप्लीट किया है, लेकिन उसके बाद भी टाइम ज़्यादा ही लगा है। तो चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, मैं आपको बोल चुका हूँ हमेशा से कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं लेता हूँ। चैट बॉक्स ओपन है, जिस तरह ना मैं होल्ड की बात करता हूँ ना सेल बाय की बात करता हूँ, मैं आप सभी को पहले से बोल चुका हूँ, तो आप देखेंगे। यस, ITC आपका रिसेंट टाइम में भी बोला है, और मैंने आपको बोला ही कि ITC पे क्यों, यहाँ पे जो आपका टेक्निकल्स है, टेक्निकल एनालिस्ट है, उनको क्यों परेशान करके रखा हुआ है, मैंने आपको बोला भी है, बताया भी क्यों, क्योंकि आप देखो कि रिसेंट टाइम में 4 ईयर्स केवल आपका 190 से लेके 250 के अराउंड तक पूरा का पूरा मूव हुआ था, और अगर वहीं पे जो प्राइस है वही यहाँ पे भी अभी रेंज आपको वहाँ पे लेके रखा हुआ है। एलोटोबल स्टॉक सर, ऐसा तो कोई स्टॉक है नहीं। टेन लाइन सर, 5 मिनट की तो बात है नहीं कि आप देखोगे कि टेन लाइन हम 5 मिनट में इसको समझा दें, और अगर मैं समझाते हूँ भी तो वही है कि अगर कम नॉलेज अगर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो वही है कि वो डेंजरस रहेगा। एलोट वेब सर, जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस में जितना भी एग्जिस्ट करता है वो मैं सब यूज करता हूँ, केवल हारमोनिक यूज नहीं करता हूँ, लेकिन वो सब कुछ मैंने निकाल के केवल प्राइस और पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ वहाँ पे कर चुका हूँ। बेस्ट मेथड टू अप्लाई स्टॉप, आप देखोगे कि या तो आप देखो स्विंग लो को यूज कीजिए, या फिर आप मूविंग एवरेज भी यूज वहाँ पे कर सकते हैं। निफ्टी मेटल की जब हम बात करेंगे तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था निफ्टी मेटल, इस टाइम भी मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जब रहता है ऊपर की तरफ है तो रिवर्सल, अभी तो कोई सिग्नल ऐसे है नहीं कि ज़्यादा गिरेगा क्या वगैरह वगैरह, इस टाइप के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं बोल पाना। पैटर्न कौन सा अच्छा है तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जो फैंसी है मीन्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप मत देखिए, सब लोग बोलते हैं, और कुछ जो पैटर्न है ज़्यादा उनको नहीं देना, PSU बैंक में नहीं देखूंगा। सस्टेन का मतलब सिंपल है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसको भी हम देख सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी हमेशा से मैं बात करता हूँ, केवल सस्टेन करने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर रुकना, आप चाहें उसको एज ए कन्फर्मेशन ले सकते हैं, वॉल्यूम आप देख सकते हैं, या फिर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो वो एक एडिशनल एक
जो कंफर्मेशन है उसको मैं सस्टेन बोलता हूँ। मैंने टाइम एंड टाइम आप सभी को बताया है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबिलिटी का मतलब एक कंफर्मेशन, एक एडिशनल कंफर्मेशन। एडिशनल कंफर्मेशन कोई भी अगर आता है तो उसके बाद आप उसको देख पाएंगे। सर बैंक निफ्टी, निफ्टी चार्ट मैं बता सकता हूँ, ये मैं आप देख लूंगी। मैं वॉल्यूम यूज नहीं करता हूँ सर। कौन है जस्ट पर्सन, जस्ट मैं एक काम करता हूँ, एवरीवन ओनली जस्ट। ओके सो सर, मैंने 3 दिन पहले, मैंने लास्ट 3 इयर्स का मैंने अपना वो दिया था ट्रांजेक्शन के लिए लेजर दिया था। मैंने उसमें सिंपल बोला था कि ना एफ एंड ओ का एक भी ट्रेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑप्शन नहीं आता है। मैंने 11th में ही पढ़ लिया था ऑप्शन, तो 11th और 12th में मैंने ऑप्शन पढ़ा है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है कि ऑप्शन करने से बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बट सिंपल है कि नहीं करना। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया आप देखिए ना कि बाटा इंडिया में रिसेंट टाइम में आप देखो कि कंसोलिडेशन कहाँ था। 1400 से लेके 1230 30 के लेवल तक आप देखोगे कि ये जो लेवल था यहाँ पे जहाँ पे कंसोलिडेशन था, स्टिल वहीं उसी के नीचे यहाँ पे आया, हैवी सेलिंग के साथ आया। बट जब अगर इस रेंज में आया है तो आप देखो कि रिसेंट टाइम में भी हमने इस टाइप के पैटर्न देखे हैं। यहाँ पे आप देखो बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, इस दिन 4% गिरा, इस दिन आप देखो कि 4% गिरा, इस दिन 3% गिरा, इस दिन 3% गिरा, इस दिन आपका 4% गिरा, इस दिन आप देखो 4%, इस दिन 2%। बट उसके बाद सस्टेन क्या किया वहाँ पे? नहीं। आप देखो कि उसके बाद नेक्स्ट डे बुलिस 3%, मीन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट भी आपको देखने को मिले। तो वही चीज़ हुई है कि साइडवेज जब होता है तो साइडवेज में आपकी जो एक्यूरेसी है जस्ट उसको पे करता है, और जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मारपीट के भगा देता है कोई भी प्राइस हो अगर साइडवेज में। तो और यहाँ पे भी वही हुआ कि यहाँ पे आपका स्टॉक 6% गिरा, उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज तक रेगुलर पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, इसके बाद नीचे की तरफ गया। लोगों ने फिर सोचा होगा कि यहाँ पे हम फिर सेल करेंगे क्योंकि उसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट डे देखो फिर ऊपर की तरफ आए। तो वही है कि यहाँ पे जो ट्रैपिंग हुआ, अगर साइडवेज कभी भी होता है उस टाइप का, अगर रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेंज आता है, यही चीज हमने आईटीसी में देखी, यही चीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यही चीज आप टाइम एंड टाइम बहुत सारे स्टॉक्स में देखोगे। तो वही है कि अगर इस टाइप का अगर पैटर्न अगर एक स्ट्रॉन्ग रेंज में आता है, जो एक रेंज है कैरी करता है स्टॉक को, एक स्पेसिफिक स्टॉक को, अगर उस रेंज में अगर अगेन आता है स्टॉक, तो सिंपल है कि वहां पे अवॉइड करो, वेट करो। टेक्निकल जस्ट आपको हमेशा से कोई एक बाय और सेल सिग्नल नहीं देगा, हमेशा से आपको वेट करने के लिए भी बोलेगा, तो आपको वो ही कैच करना है कि वेट करना है। और यही डिफरेंस है आपका फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेक ब्रेकआउट कैसे कैच करना है, सिंपल वही है कि वो फेक ब्रेकआउट नहीं होता है, वो जस्ट आपको बोल रहा होता है कि जस्ट हमें वेट करो यहाँ पे, आपको कंफर्मेशन चाहिए, एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, वही चीज़ आपका यहाँ पे रहता है। सर मैं आपको बोला हूँ सर कि हम कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, भारतीय एयरटेल ये तो बाटा इंडिया मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका मैंने उसको रिपीट किया, बाकी मैं उस टाइप से एक स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं करने वाला हूँ। सुब सर मैं 3 बुक पढ़ा हूँ, 3 बुक अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं 3 बुक आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। अब उस मैलॉट वेब है नहीं है वो आपको देखना है। मैलॉट वेब के लिए कोई रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा उन पे जो फैंसी हैं
जो एलर्ट वेव है, बाकी चीज़ें हैं, मैं फैंसी पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ। जैसे एक जो नॉर्मल है ओवरव्यू है उस पर ही ज़्यादा देख लिया हूँ। एक टाइम था मैंने बहुत पढ़ा, बट वही है कि मुझे वो चीज़ नहीं आई, मुझे रास नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो जैसे मैं उससे ज़्यादा मैं उसको नहीं देखता हूँ फिर। मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर चुका हूँ, आप देख पाएंगे। मैं 2 टाइम हर वीक, मैं लास्ट 2 वीक्स में मैं पोस्ट किया हूँ, आप देख पाएंगे। फार्मा इंडेक्स सर मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट मैं फार्मा बैंक इंडेक्स हमने पूरा पूरा उसको कवर किया है। तो चलिए 10 भी हो गए हैं, 10 भी बज चुके हैं। सो मैं बोला ना कि सभी का तरीका अलग अलग होता है। कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, बहुत सारे प्राइस करते हैं, मैं तो कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। मुझे चार्ट अपने आप बोल देता है कि हाँ आप कंफर्म हो चुका है। एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप देखोगे, बहुत सारा आप देखोगे तो आप वहाँ पे देखेंगे, तो उस टाइप से आपका रहेगा। इन्फो एज जो मैं नहीं बोला, इन्फो एज जो इन्फो एज लास्ट वीक के आपके लिस्ट में था, आप लास्ट वीक का बात कर रहे हैं पृथ्वी, मैंने इन्फो एज इस टाइम नहीं बोला हूँ। और थॉमस सर की जितनी भी मिले ना तो पढ़ सकते हैं। और मर्फी को एक 3 आई प्रोटेक्ट, मेरे पास 2 रुपये से, 2 रुपये और 3 रुपये अराउंड। रेजिस्टेंस 9.50 अगर ब्रेक करता है तो वही ऊपर की तरफ। और मैं एच ई को बोला भी हूँ, जैसे सर को तो पता ही होगा, यही है 9.30 के ऊपर अगर ब्रेक, नहीं 9.50 के अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ये 13 के अराउंड भी हम बात करेंगे। यस एनटीपीसी जस्ट बिकॉज ऑफ, जब हम बात करते हैं एनटीपीसी, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे रखा था क्योंकि आप देखोगे कि जब आप डेली चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे कि ये जो लेवल है, पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करता हूँ। जब आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल तो दिखता है, बट जब आप देखोगे कि उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसको मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जो सपोर्ट था, ये आके क्या बना आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बना। इसके अलावा जो मिडिल में जो रेंज थी, ये केवल इतने नहीं, ये रेंज ये आपको कहता है कि यहाँ पे एक कुछ ना कुछ गैम चला है। इसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट यहाँ पे आए तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा कि गैप अप ओपन हुआ और वहां से हैवी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बाद में नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट आया। इसके बाद अगेन उस लेवल पे जैसे ही गया है यहाँ पे, ये जो बात करेंगे लास्ट टाइम की बात करेंगे, अभी 2 दिन पहले जब उस लेवल पे आया ओरिजिनली जब स्टॉक, तो वहां से अगेन हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो ये सेलिंग क्या बोलता है कि आपका जो और लेवल है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो ये आपका इवनिंग स्टॉक तो अपने आप में बना ही दिया है, बट थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे मिसिंग है। और नीचे की तरफ से जो बाइंग है, ये 15 मिनट में जो नीचे की तरफ जो कंसोलिडेशन हुआ है, वो मुझे थोड़ा सा रोक रहा था कि यहाँ पे इसको नहीं रखो। हैप्पी माइंड का इतना डेटा नहीं है कि
मैं उसको देखूं, मैं कम डेटा वाले चार्ट को नहीं देखता हूं। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को कि या फिर माइंड या फिर कोई भी न्यू स्टॉक है इसको हम नहीं देखते। सॉरी सर, स्टॉक एक्सपीरियंस देखेंगे भी नहीं। क्या करें, डॉक्टर एचडीएफसी लाइफ। चलिए चलते हैं, गुड नाइट आप सभी को। स्टॉक स्पेसिफिक बात करनी ही नहीं।